हमारे कंटेंट को देखने का लेवल बहुत ऊपर पहुंच चुका है। अगर हमें इस न्यू ईयर पर घर बिठाना है तो कुछ ऐसा लेके आओ जो हमारे दिमाग की धज्जियां उड़ा दे। क्रिसमस और स्पेशली न्यू ईयर के लिए आज हम रिव्यू करें टॉप 7 ऐसी इंपैक्टफुल वेब सीरीज जिनके यूनिक कंसेप्ट को देखकर अपना कीमती टाइम इन्हें देना वर्थ इट लगेगा। लीना जिसकी शादी हो चुकी है और वो शादी के बाद अपने बीमार हस्बैंड से और अपनी मदर इन लॉ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अभी बता रहा हूँ मूवी फैमिली के लिए नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे की लेंथ, 5.1 IMDb रेटिंग के साथ हॉरर मिस्ट्री लॉक्ड इन। छोटी सी लेंथ में हमको कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। लीना की मदर इन लॉ कैथरीन को लगता है कि ये गोल्ड डिगर है। लीना का एक डॉक्टर के साथ अफेयर भी शुरू हो चुका है। पॉजिटिव प्रोडक्शन क्वालिटी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, लेकिन नेगेटिव मूवी स्टार्टिंग से ही डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस पर लाकर हमको खड़ा कर देती है। ऑल्दो स्टोरी तो अच्छी है लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत बुरा है। अदरवाइज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। टाइम लूप के अंदर कोई नहीं फंसना चाहता लेकिन ये लड़की खुद की मर्जी से ये कर रही है। 2022 में रिलीज हुई थी 1 hour 29 minute की लेंथ कॉमेडी रोमांस मीट क्यूट। शैला जो कि एक यंग लड़की है जिसको एक नेल सैलून के अंदर टाइम मशीन देखने को मिलती है जो उसको 24 घंटे पीछे भेज सकती है। आज हमको भी कोई ऐसी मशीन मिलती है। अब शैला अपनी बॉयफ्रेंड को फिक्स करने पर लग चुकी है। वो एक डेट को बार बार जी रही है ताकि जो भी उसके बॉयफ्रेंड के अंदर कमी है उसको वो फिक्स कर सके। देखो नेगेटिव की बात करें मूवी कहीं कहीं पर हमको अनलॉजिकल लग सकती है। ऑल्दो मूवी अच्छी है 5.7 IMDb रेटिंग के साथ आपको अमेजोन प्राइम पर मिल जाएगी। साइमन की वाइफ वलेरिया को मार दिया जाता है क्योंकि एक वेल्दीस्ट पर्सन को उसका दिल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उस वेल्दीस्ट पर्सन की गर्लफ्रेंड को हार्ट चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए। दिल से भरी ये सीरीज बड़ी लंबी है। टोटल 2 सीजन 24 एपिसोड 6.5 IMDb रेटिंग के साथ द मार्क्ड हार्ट। अब साइमन द कॉमन मैन अपनी वाइफ का रिवेंज लेने के लिए इन पावरफुल लोगों से सीधा भिड़ रहा है। ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जी जान लगा रहा है। सीरीज मल्टीपल स्टोरीज को अपने साथ लेकर चलती है। लव एंगल, क्राइम, पॉलिटिक्स एंड लेंथ वाइज लॉन्ग लॉन्ग इंटीमेट सीन्स होने की वजह से 18+ है। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। 1980s में दो स्टूडेंट अपने करियर को बनाने के लिए डुच में पहली सेक्स लाइन को ओपन करते हैं। अब भी बता रहा हूँ सीरीज कम्प्लीटली 18+ है। सिर्फ एक सीजन 7.2 IMDb रेटिंग के साथ डर्टी लाइन। शुरुआत में बहुत वियर्ड लगता है लोगों को ये सेक्स लाइन का कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके बाद जो ये बिजनेस बूम करता है ना बॉयज साहब, इसी बूम के बीच में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो आपको सीरीज के अंदर ही देखने चाहिए। सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। 1940 का दौर है। एल्फ्रेड नाम का सेलर अपने साथियों के साथ समुद्र के अंदर फंस चुका है वर्ल्ड वॉर 2 में। वो ड्रामा जोनरा की एक कंप्लीट लिमिटेड सीरीज ट्रू स्टोरी पर बेस, सिर्फ 3 एपिसोड देखने को मिलते हैं 7.2 IMDb रेटिंग के साथ वॉर सेलर। मूवी की स्टोरी में दम है। जो भी विजुअल हमको पूरा सेटिस्फाई करते हैं। जो भी 1940 का दौर दिखाया गया वो कम्प्लीटली हमको रियल लगता है। कॉस्ट कटिंग नहीं की लेकिन है। इससे हटके नेगेटिव इतनी स्लो फेस की है जो कि मुझे लगे, और हाँ 18+ है। कुछ एक किसिंग सीन और थोड़ा बहुत ब्लड भी आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। डर्टी पॉलिटिक्स और गैंग्स वॉर और एक्शन नहीं, ब्रूटल एक्शन देखने को मिलता है सीरीज के अंदर। एटीन सेंचुरी का दौर है। चाइनीज मार्शल आर्ट एक्सपर्ट आसाम जिसकी बहन लापता है जिसको वो ढूंढने के लिए चाइना से सीधा अमेरिका में आता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो चाइनीज गैंग के अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंस हमको देखने को मिलते हैं भाई साहब सुकून। इसकी स्टोरी हमको थोड़ी सी एवरेज लगी लेकिन बाकी चीजें उसको पूरी तरीके से कवर कर देती है। टोटल 3 सीजन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में 8.4 IMDb रेटिंग के साथ जियो सिनेमा पर अवेलेबल है वॉरियर। नेटफ्लिक्स को ये तो पता लग चुका है कि के ड्रामा का दौर शुरू हो चुका है। चाइल्ड क्राइम डे बाई डे बढ़ रहा है। जुवेनाइल कोर्ट की एक फीमेल जज जो कि यंग क्रिमिनल्स को हैंडल करती है एंड शी हेट यंग एंड चाइल्ड क्रिमिनल्स। उनके अंदर कानून का डर पैदा करना होगा, समझाना होगा कि अगर जुर्म करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल अनफिल्टर्ड नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ 7.9 IMDb रेटिंग। टोटल 1 सीजन जुवेनाइल जस्टिस। टोटल 10 एपिसोड है 1-1 घंटे के, लेकिन एक ही केस को पकड़ कर नहीं बैठते, हर दूसरे एपिसोड के बाद अलग केस। लेकिन नेगेटिव स्लो फेज की सीरीज और 1-1 घंटे के एपिसोड हमको लेंथ पूरा फील करवाते हैं। एंड लास्ट कोई भी न्यूड और किसिंग सीन नहीं है, सिर्फ डायलॉग की वजह से 18+ है। अदरवाइज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आज के लिए इतने ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।